नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पेंजी के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कि पेंजी के फ्लावरिंग प्लांट के साथ हम ऐसे कौन कौन से काम करें कि पेंजी का प्लांट हमारे गार्डन में अप्रैल मई तक आसानी से फ्लावर करता रहे। और पेंजी का प्लांट बहुत ही सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें न कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, पहला काम है डेड हेडिंग। जैसे कि हमारा फ्लावर खिलने के बाद में कंप्लीट हो जाता है और इसमें सीड पॉड बनने लग जाते हैं, तो हमें सीड पॉड को इस तरह से डेड हेड कर देना चाहिए, मतलब प्लांट से हटा देना चाहिए। क्योंकि प्लांट जब सीड बन जाता है तो प्लांट अपनी एनर्जी है ना पूरी सीड बनाने में लगा देता है, और जब हम इस सीड पॉड को ही तोड़ देंगे तो फिर प्लांट अपनी एनर्जी बनाएगा नई नई कलियां खिलाने में और नए नए फ्लावर खिलाने में। तो इसलिए हमें डेड हेडिंग कर देनी है, अभी सीड नहीं लेने हैं। तो दोस्तों, अगला काम है वाटरिंग। तो वाटरिंग हमें किस तरह से देनी है? वाटरिंग हमें इस तरह से पेड़ को एक तरफ करके और पॉट में देनी है, मतलब मिट्टी में देनी है। प्लांट के ऊपर हमें वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है कई बार विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और धूप नहीं निकलती है, और अगर हम प्लांट के ऊपर वाटरिंग कर देते हैं तो वो पानी सूख नहीं पाता है और हमारा प्लांट फंगस का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर धूप नहीं लगती है तो उसका वाटर नहीं सूखता, तो हमारे प्लांट में फंगस लग जाती है और हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें वाटर हमेशा मिट्टी में देना है, मतलब पेंजी के प्लांट की मिट्टी में देना है, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं देना है। और अगला है, हमें इस प्लांट को विंटर सीजन में ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर पूरे दिन की सनलाइट पड़े, क्योंकि ये हमारा विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट है। तो जितनी भी सनलाइट आपके टेरेस के ऊपर आती है या आपके गार्डन में आती है, इसको ऐसी जगह ही रखना है। दोस्तों, ये प्लांट हमारा विंटर सीजन का प्लांट है, तो हमें इसके लिए ऐसी मिट्टी बनानी चाहिए, उसमें खाद की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि 40% हम ले सकते हैं गार्डन सॉइल, 40% कॉम्पोस्ट और 20% रेत, या फिर ले सकते हैं हम कोकोपीट। तो कोकोपीट इसलिए कि कोकोपीट थोड़ा सा ना मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, लेकिन उस तो इस मीडियम में ये प्लांट बहुत ही अच्छा चलता है। और इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि इसका जीवन थोड़ा सा होता है, मतलब छोटा सा 5 या 6 महीने का ही होता है, और इस टाइम में ही इसको कलियां बनानी होती है, फ्लावर भी देने होते हैं और सीड भी बनाने होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। और इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, विंटर सीजन में इसमें सरसों की कली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया होता है, जिससे कि फ्लावर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आते हैं। और इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और इसको आप मिट्टी के गमले में, प्लास्टिक के गमले में और इस तरह के रेलिंग प्लांटर में भी लगा सकते हैं, और इसको ना बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे से गमले में ही आसानी से ग्रो हो जाता है, और ये वाला प्लांट सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन जो सीड हम लगाते हैं तो उसमें इतने बड़े साइज का फ्लावर नहीं आता है, उसमें छोटे साइज के फ्लावर आते हैं, और जो हम नर्सरी से प्लांट खरीद के लाते हैं तो उसमें बड़े साइज के फ्लावर आते हैं। आप देख सकते हैं इस प्लांट को हम नर्सरी से खरीद के लाए थे तो इसमें ना बड़े साइज के फ्लावर आ रहे हैं, और जो हमने सीड से लगाए हैं तो उनमें बहुत ही छोटे साइज के फ्लावर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते जी, धन्यवाद।